ठेला का लिफ्ट, ये देखो ठेला नहीं रिक्शा बोलते इसको। ये देखो सर लोग वाला बाईपास पे आ गया हाईवे पे। देखो देखो सुबह सुबह चाय का प्रिपरेशन चल रहा है। इसको चूल मची है टेम्पो से जाने का। दो ट्रेन के बीच में ना ऐसा सीन आता है, दिखा नहीं ना लटकने वाला वहाँ पे। इसका एक्सरसाइज स्टार्ट। सो हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारे वीडियो देख रहे होगे। सो गाइज हम चारों 3 इडियट बोलते ना, लेकिन आज हम लोग 4 इडियट है। असीम, मैं, राहुल और फिर ये अभिषेक। 4 मूर्ख हैं गाइज, हम चारों मूर्ख जा रहे हैं आज। तो आज गाइज हम लोग जा रहे हैं सुबह बख्तियारपुर। सुबह सुबह 4:30 बजे निकले थे, 5 बज गया, अभी तक सोसराय भी नहीं पहुँचे। समधिनिया मोड़ इसका नाम है, वहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं। और अपने को यहाँ से रेलवे स्टेशन जानी है, 6 किलोमीटर और है, टोटल 5 या 6 किलोमीटर। फिर वहाँ से अपने को ट्रेन मिलेगी 6:15 में और फिर वहाँ से अपन लोग डायरेक्ट बख्तियारपुर। तो भाई देखते यार कितना और टाइम लगता है। लाइट वाइट तो है नहीं, बस थोड़ा सा जो रोड वाली लाइट होती है ना, वही वाली लाइट है। तो भाई अभी हम लोग को लिफ्ट मिल चुका है, एक ठेला का लिफ्ट। ये देखो ठेला नहीं रिक्शा बोलते इसको, ऑटो। ये देखो सर लोग कैसे बैठे हैं और हम लोग भी ऐसे हैं भाई। ये देखो इस पे बैठे, इस पे लिफ्ट मिला भाई। ये देखो ऐसे सारे लोग बैठ के जा रहे हैं, खड़े खड़े जा रहे हैं। हम तो खड़े हैं गाइस। लोग मस्त वाला बाईपास पे आ गया हाईवे पे, देखो। और यहाँ से अपने को जाना पड़ेगा, नहीं बस स्टॉपेज है, स्टॉपेज यहाँ पे स्टॉपेज होगा पैसेंजर के लिए। और अभी हम लोग हाईवे पास कर रहे हैं और यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ेगा अपने को। तो ऑटो मिलेगा शायद, ऑटो ना मिले तो पैदल चले जाएंगे। देखो सुबह सुबह चाय का प्रिपरेशन चल रहा है। इस टाइम सारे लोग चाय बिस्किट नाश्ता वास्ता करते हैं ना, वही प्रिपरेशन है बिल्कुल गाइस। मतलब देखो तो पेट्रोल पंप के जस्ट सामने में ये पेट्रोल पंप और ये इधर चाय वाला तो सही है। और फिर आगे कैरियर पॉइंट, जो कि यहाँ पे न्यू कोचिंग खुली है पटना को देखते हुए, मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि पटना में कैरियर प्लानर है। बट ये भी सीपी है, शॉर्ट फॉर्म में सीपी और लॉन्ग फॉर्म में कैरियर पॉइंट। भाई इसको चूल मची है टेम्पो से जाने का। ये टेम्पो वाला को रुकवाया है बेचारा, स्टेशन जा ही नहीं रहा है भाई। जाए भी क्यों ना यार, मतलब पाँव ज़्यादा थक गया। लेकिन इस टाइम हम लोग का रनिंग का टाइम था, तो चलो ऐसे ही मान लो, ऐसे ही दौड़ के पैदल जा रहे हैं हम लोग। सारे लोग देखो यार ट्यूशन जा रहे हैं इस टाइम, मतलब देख रहे हो सारे लोग पढ़ने वाला का। सो भाई अभी हम लोग सोसराय आ गए, मेन मोड़ है उससे थोड़ा सा पहले। ये अपना मस्त वाला बैग, इसमें थोड़ा बहुत कपड़ा, क्योंकि अपने को वहाँ पे नहाना है और थोड़ा सा पूजा पाठ करना है और फिर आना है। तो बैग में थोड़ा बहुत कपड़ा है। सोसराय मोड़ से बहुत पहले, थोड़ा सा पहले, लाइक 150 मीटर होगा मैं भी। हमारे बगल में राहुल, पीछे देखो मोच दिखा रहा है। तो भाई ये मतलब मोच का ताव है, इसको बोलते हैं। तो हम लोग तो मस्त वाला जा रहा है, बस जल्दी से ऑटो मिल जाएगी ना तो सही है, वरना पैदल ही निकलेंगे। लेकिन पैदल चलने का क्षमता नहीं बचा ज़्यादातर लोगों में, हम लोगों में तो है यार, चले जाएंगे। लेकिन शायद 6 बजे तक पहुंच नहीं पाएंगे, पैदल जाएंगे तो देखते हैं ऑटो मिला तो ऑटो से जाएंगे, वरना मजबूरी है गाइज, क्या बोल सकते हैं ना, मजबूरी है अपना। देखते के साथ आ गए, तुरंत से आ गए यार। स्टेशन का 20 रुपये पर आदमी भाई, काफ़ी ज़्यादा है यार। मतलब 5 किलोमीटर और फिर 20 रुपये पर पर्सन, मतलब 280 रुपया 4 आदमी का, समझ रहे हो। सो टोटो का रेट ऐसे होता है, कोई ना। अभी देखो वो सामने दिख रहा है, वो देखो वहाँ से बैठना है, 15 रुपये 4 आदमी है भाई। तो अभी इस पर बैठेंगे और फिर मस्त वाला जाएंगे। ओ भाई हमको इस तरफ बैठने देता भाई, चलो अपोजिट डायरेक्शन। राहुल का थकान दूर करने के लिए हम लोग टोटो पे बैठ चुके हैं। क्या राहुल? हाँ। मजा आ रहा है भाई एकदम, असीम मजा आ रहा है। हम लोग तो पैदल जाने वाले थे ना भाई, पैदल जाने वाले थे सबसे। हाँ लेकिन भाई राहुल का इसका था तो अपन लोग बैठ गए और अभी मस्त वाला जा रहा है। सुबह ये देखो सुबह सुबह कितना खाली खाली रोड है, दिख रहा है? ये देखो पूरा खाली खाली रोड है। पीछे के साइड देखो ना तो ये भी पूरा खाली है। सुबह सुबह इस टाइम ज़्यादा गाड़ी नहीं चलती है ना, इसी कारण से। और फिर राहुल भी मस्त वाला अपना ब्लॉग बना रहा है। तो भाई मस्त वाला टोटो का सफ़र करते हुए मैं और फिर खाली रोड में जाते हुए काफी मस्त वाला सीन है एकदम मजे से। देखो यार खाली पूरा रोड ही खाली है भाई, ये देखो पूरा रोड खाली है और फिर हम लोग ऐसे ही मजे करते जा रहे हैं। सो फाइनली गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन, लाइक अभी स्टेशन नहीं स्टेशन से पहले, क्योंकि ऑटो पहले ही रुक जाती है गाइज। देखो सारा ऑटो इधर ही रुकती है और फिर पीछे स्टेशन है, वो ट्रेन एक क्रॉस कर रही है राजगीर की तरफ जाने वाली। तो अभी अपन लोग यहाँ से निकल रहा है स्टेशन की तरफ क्योंकि अपना पेमेंट हो चुका है। पेमेंट में थोड़ा सा लोचा था, 100 का नोट था और फिर उसके पास चेंज नहीं था, तो वो चेंज लाया और फिर अपने को पैसा रिटर्न करा। तो अभी अपन लोग स्टेशन की ओर जा रहे हैं गाइस ऑटो से उतर के, तो आप लोगों को दिखाते गाइस स्टेशन का रास्ता यहाँ से। देखो भाई अपन लोग वहाँ पे ऑटो से उतरे और फिर यहाँ से जा रहे हैं स्टेशन, लाइक मेन स्टेशन एकदम। वहाँ से एंट्री नहीं लेंगे अपन लोग, यहीं से एंट्री ले लेंगे क्योंकि मेन आगे से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगी और फिर अपन लोग इधर से ही एंट्री ले लेंगे, सही रहेगा, अच्छा भी रहेगा। तो देखो मतलब अच्छा यार ऐसा भी रोड, इधर एंट्री इसलिए नहीं लेता ना कि इधर कुछ मतलब बैरियर का पैसा लग जाता है इसी कारण से। और फिर ये देखो जब ट्रेन क्रॉस करती है ना तो पूरा जाम हो जाता है इधर दोनों साइड, इस साइड भी और फिर उस साइड भी जाम हो जाता है। और फिर यहाँ पे देखो ये स्टॉपेज आपको तो दिखाई देगा उस दिन बिहार शरीफ का स्टेशन का ब्लॉग, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हो गाइज, क्योंकि वो वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा मस्त वाला वीडियो था। सो भाई बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन का जो भी वीडियो है ना उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग प्लीज़ गाइज वहाँ से जाके वीडियो देखना क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल वाली वो भी वीडियो है स्टेशन वाली। तो जो जो बिहार शरीफ स्टेशन के बारे में नहीं जानते हो ना वो लोग प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हो क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और फिर अपना स्टेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो चलो अभी अपन लोग स्टेशन पहुँचते हैं, ट्रेन आएगी, ट्रेन का वेट करेंगे, फिर ट्रेन आएगी उस पर चढ़ेंगे और फिर डायरेक्ट से निकलेंगे गाइज। सो गाइज अभी हम लोग स्टेशन पे आ चुके हैं, इधर से एंट्री लिए थे क्योंकि यहाँ से उधर से काफ़ी ज़्यादा देखो उधर से अपने को घूम के जाना पड़ता बहुत, उधर फिर एंट्री होता, बट अपन लोग इधर से आए तो इधर से एंट्री ले लिए। और फिर ये स्टेशन मस्त वाला एक इंजन लगा हुआ है देखो भाई, इसमें ये वाली सिर्फ इंजन है, इसका बोगी वोगी नहीं है शायद, ये इस वाली जो न्यू वाली प्लेटफॉर्म बनी है ना इस तरफ इधर में इंजन लगा हुआ क्योंकि ये वाली प्लेटफॉर्म पे आएगी ट्रेन 2 नंबर पे और फिर की ओर जाएगी। बड़ा अपन लोग बख्तियारपुर में उतर जाएंगे। और फिर देखो भीड़, अभी एक ट्रेन आई थी ना बुध पूर्णिमा, उससे काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, उधर भी भीड़ है बहुत ज़्यादा और इधर से बहुत सारे लोग निकले हैं। तो अपन लोग तो सुबह सुबह जा ही रहे हैं अभी। और फिर ये भाई इंजन नंबर देखो भाई, मैग बैग इसमें जाना है 2 नंबर पे भाई, इधर से भी चढ़ेगा तो वही प्लेटफॉर्म है, टेंशन क्यों, अरे कोई दिक्कत नहीं है, अरे कोई दिक्कत नहीं है। चलना न्यू वाला प्लेटफॉर्म देखते हैं आज भाई। ये देखो स्टार्ट भी कर दिया भाई इसने तो, अरे इंजन नहीं भाई पूरा मतलब यही है, स्टार्ट भी हो गया यार मेरे को पता ही नहीं था, स्टार्ट भी कर दिया भाई उसे, प्लेटफॉर्म मालगाड़ी है ये। तो इधर मालगाड़ी 3 नंबर पे सिर्फ मालगाड़ी ही आती है मेरे को ऐसा लगता है। सो कॉल्ड भाई हम लोग पटरी पे चले जा रहे हैं, ख़त्म होने का नाम नहीं देता। इधर के साइड मालगाड़ी देखो और फिर हम लोग पटरी पे ही चल रहे हैं ये देखो। सो अब प्लेटफॉर्म पे चढ़ने वाले, फिर डायरेक्ट ट्रेन आएगी ना उस टाइम डायरेक्ट आप लोगों को दिखाएंगे। आज अभी भी काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर यहाँ पर आए हुए हैं, भीड़ काफ़ी ज़्यादा होगी बट क्या कर सकते हैं यार, जाना तो पड़ेगा ना भीड़ में। तो चलो जल्दी से ट्रेन आएगी फिर जाएंगे अपन लोग। तो भाई देखो यार मतलब जिस टाइम अपन लोग वीडियो बनाए थे ना उस टाइम थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा था, लाइक उधर कुछ स्टार्ट नहीं हुआ था, प्लस उधर गाइज वो वाली नहीं बनी थी देखो, और वो भी छत भी बन चुकी है ऊपर से धूप से बचने के लिए। और फिर काफ़ी कुछ अलग हो चुका है यहाँ पर, राहुल फ़ोटोशूट। और फिर इधर देखो और भी आगे चलते हैं, मतलब जिस टाइम हम लोग वीडियो बनाए थे ना गाइस उस टाइम वो वाली सीढ़ी नहीं स्टार्ट हुआ था बनना, ये देखो अभी स्टार्ट भी हो चुका है बनना पूरा। और फिर इधर ये वाली प्लेटफॉर्म स्टार्ट भी ना हुई थी, वो भी स्टार्ट नहीं हुआ था, दोनों स्टार्ट हो चुका है। लाइक ये मालगाड़ी इस पे ज़्यादा आती है, उस पर पता नहीं क्या आती है, उसके उस साइड भी एक और प्लेटफॉर्म है तो उधर भी ट्रेन। तो अभी सारा कुछ स्टार्ट हो चुका है, अपने को एक बार और न्यू अपडेट वाली वीडियो लानी पड़ेगी। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप लोग बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन का न्यू अपडेट वाली वीडियो लाएँ या फिर ना लाएँ। सो बस यही कमेंट करके ज़रूर बताना गाइज। और फिर आप लोग को अभी का स्टेशन आप लोग को कैसा लग रहा है, लाइक बहुत ही बड़ा भी लग रहा है यार। पहले तो गाइज यहाँ से बस इतना था ना, ये चापाकल के पास तक था, बस 2-3 प्लेटफॉर्म था। और अभी तो काफ़ी बड़ा हो चुका है। को देखो सिर्फ फोटोशूट। राहुल भाई इतना फोटोशूट क्यों करता है बताओ भाई, बताओ। अरे तुम्हारा गैलरी में कितना फोटो होगा राहुल, सही से बताना भाई। 4000 भाई। तुम्हारा कितना फोटो होगा अभिषेक तुम्हारा फोन में? 40। बस देखो भाई 40 और 4000 भाई, 100 गुना ज्यादा। मतलब सोचो यार 40 और 4000 भाई। ये देखो यार क्या सीन मस्त वाला लगता है भाई। मतलब दो ट्रेन के बीच में ना ऐसा सीन आता है भाई, ऐसा ही फिल्म में भी दिखाता है ना भाई। रनिंग करते हुए जाता विलेन, पीछे से हीरो जाता उसको मारने के लिए। भाई सीन काफी भयानक वाला लग रहा है यार मेरे को भी। आज फर्स्ट टाइम ना मैं दो ट्रेन का बीच में आया हूँ, ऐसा वाला मतलब सीन मेरे को फीलिंग्स आ रहा है मस्त वाला। ट्रेन आने वाली है, सारे लोग देखो यार नीचे उतर गए सीट लेने के लिए, और ट्रेन देखो काफी पास आ चुकी है भाई। ट्रेन आने वाली है, 6:15 का टाइमिंग था और फिर भाई मतलब 6:45 में आ रही है ट्रेन। सोचो कितना लेट, अभी इतना लेट है तो बख्तियारपुर जाते जाते कितना लेट हो जाएगा यार। देखो पैसेंजर कितना भीड़ है भाई, ये देखो देख लो, देख बहुत भीड़ है भाई। देखो ट्रेन काफी पास आ रही है, जूम करने की जरूरत ही नहीं है भाई। आ चुका है भाई, काफी ज्यादा भीड़ होगा भाई, काफी ज्यादा भीड़। ये देखो भीड़ देखो भाई हो रही है भाई। अभी तो पूरा खाली है, आगे बोले थे ना भाई आगे पूरा खाली है। ये देखो बोले थे आगे चलो भाई, पीछे पूरा भीड़ है भाई, पीछे पूरा भीड़ है, आगे चलो। लेकिन सही है भाई, ज्यादा आगे मत जा, सही है फिर भी यार। मतलब देख रहे हो, ये देखो सारे लोग चढ़ने का कोशिश, बट क्या ही कर सकते भाई। भाई साहेब इतना ज्यादा भीड़ यार, सोच नहीं सकते हो भाई इतना भीड़। इतुसा ओए राहुल आना आ गया ना। सो भाई अभी अपन लोग पहले ट्रेन पे चढ़ते हैं, फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं भाई। भीड़ देख रहे हो, मतलब पूरा खाली है। यहाँ पे खड़े जाएंगे अपन लोग, इधर भी भीड़ है भाई। मतलब हम लोग आज यहीं से सफ़र करने वाले हैं। ये देखो भाई ट्रेन खुल भी गई भाई, आइला इतना जल्दी सोचा नहीं था हमने। भीड़ ज़्यादा नहीं है बट सही है फिर भी। अब देखो कितने बजे पहुंचाती है हम लोग को बख्तियारपुर। हाँ दिखा नहीं ना लटकने वाला, वहाँ पे इसका एक्सरसाइज स्टार्ट। ये देखो कहीं भी स्टार्ट एक्सरसाइज, लड़क बीम मार पुशअप्स मार, कितना मारता है ट्रेन में, मारो पुशअप्स दोनों पकड़ के, नहीं दोनों साइड पकड़े, दोनों ग्रिपिंग में। हाँ देखो पुशअप्स मारेगा ट्रेन में सबके सामने, एक पुशअप्स, दो पुशअप्स, दो में टक गया भाई, नीचे बैठ गया ये। ट्रेन में भी पुशअप्स भाई, सब देख के क्या बोल रहा होगा भाई। देख रहा तो भाई हम लोग ट्रेन में तो बैठ चुके हैं, मजे कर रहे हैं। ये देखो अभिषेक, हम दोनों लोग मजे कर रहे हैं। अभिषेक तो ट्रेन में ही पुलअप्स मार रहा है गाइस, ऐसे ये जो लटकने वाला है ना इसमें पुलअप्स मार रहा है। तो कोई ना, बस मज़े लेते हुए हम लोग बस जल्दी से बख्तियारपुर पहुंच जाए, इसका आशा कर रहे हैं गाइस। होप रख रहे हैं अपना मन में जल्दी से पहुंच जाए, क्योंकि जल्दी से अपने को नहानी है और फिर जल्दी से बख्तियारपुर पहुंचनी है बाया ट्रेन, समझ रहे हो ना। सो भाई अभी हम लोग बख्तियारपुर पहुँच गए भाई। हाँ लाइक अभी स्टेशन आ गया, इधर पीछे की साइड है, देखो पीछे की साइड कुछ ऐसा है गाइस। बख्तियारपुर से पहले स्टेशन से पहले, लाइक बख्तियारपुर से पहले नहीं, क्योंकि बख्तियारपुर पहुँचे। ये देखो भाई हाय 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 भाई, ये देखो सारे लोग क्रॉस करने के लिए। तो स्टेशन तो आ चुकी है गाइस, अभी बस ये देखो सामने दिख रहा है, वहाँ पे लास्ट स्टॉपेज होगी, फिर अपन लोग उतरेंगे। ओ भाई फ्लाइंग किसिंग दे रहा है, फ्लाइंग। ये देखो भाई कितना भीड़ है यार, बहुत ज़्यादा भीड़ है। अभी अपने को उतरने में ही भलाई है यहाँ पे, तो भीड़ ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखो अपना बख्तियारपुर स्टेशन सामने दिख रहा है, वो देखो गाइस बख्तियारपुर लिखा हुआ है। और फिर ये ट्रेन कहाँ जाएगी पता नहीं। ये देखो पूरा स्टेशन काफ़ी मस्त वाला स्टेशन है यार। ये देखो बख्तियारपुर स्टेशन जंक्शन, ये बख्तियारपुर जंक्शन गाइज। अभी यार अब यहाँ से अपन लोग निकल रहे हैं, क्योंकि बख्तियारपुर स्टेशन से बाहर निकल के अपने को जाना पड़ेगा नहाने के लिए गाइज। तो कहाँ से निकले वही अपन लोग सोच रहे हैं, अभी देखते हैं कहाँ से निकलते हैं। सुबह अभी हम लोग बख्तियारपुर स्टेशन पे ही है जंक्शन पे, और अभी यहाँ से निकलते हैं हम लोग क्योंकि यहाँ से जाना है अपने को गंगा जी के पास। तो यहाँ से बाहर निकलते हैं, फिर ऑटो लेते हैं और फिर ऑटो से चलते हैं गाइस। तो हम चारों फिर से इडियट एक साथ, 4 इडियट एक तरफ। बस जल्दी से चलना है। टाइम कितना हो रहा भाई? टाइम देखना, 7:51, मतलब 8 बजने वाला। 6:51 में आया था ट्रेन और फिर 8 बजने वाला। हम लोग जल्दी से जा रहे हैं बस। सो भाई ये देखो कहाँ पे चढ़ रहे हैं हम लोग, सीढ़ी पे। सीढ़ी से ऊपर जाएंगे क्योंकि हमको उस तरफ जानी है। हम लोग नीचे से भी जा सकते थे लेकिन राहुल का बात भाई सराखों पे, तो चल रहे हैं। क्या राहुल आज चढ़ने का मन इसको कर रहा है सीढ़ी। अरे भाई 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 हम लोग स्टेशन से बाहर आ गए। ये स्टेशन है, अपन लोग पीछे के साइड से बाहर आए और फिर हमारे पीछे सारे लोग, हमारे फ्रेंड लोग। हाय कर दे भाई सारे लोग। सो भाई यहाँ से हम लोग जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे टीटी था। हम लोग के पास गाइज मतलब टिकट विकट नहीं था, तो इसी कारण से टीटी से बचने का भाई बेस्ट उपाय, जब टीटी को देखो ना उससे पहले से ही तुम कल्टी मार लो। लेकिन हाँ अचानक से नज़दीक आ जाए ना तो सीना चौड़ा करके जाओ गाइज, तो कोई टीटी वीटी नहीं पकड़ेगा। पीछे के साइड कुछ ऐसा। अभी ना मौसम हम लोग पे मेहरबान है गाइस। देखो यार मतलब क्या ही वेदर है। थोड़ा थोड़ा फलासी टाइप का भी आ रहा है, बूंद बूंद गिर रहा है, बट कोई ना, इतना तो सह लेंगे भाई। हम लोग बहुत कुछ सहे ना, तो इतना भी सह लेंगे। और फिर ये शायद आरपीएफ का रहने वाला या फिर रेलवे वालों का ही रहने के लिए दिया होगा मेरे ऐसा ख्याल से। ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्या है, सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन। अच्छा वही बोले थे ना। अब पता नहीं इसका मतलब क्या होता है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है रहने वाला है रेलवे वालों का। सो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं। ये रिजर्व का 50 रुपया बोल रहा है, कुछ बोल रहा है। सो भाई हम लोग जा रहे हैं, 50 रुपये में रिजर्व हुआ। यहाँ से डायरेक्ट घाट पे। असीम, अभिषेक, राहुल और फिर मैं। तो स्टेशन से भी बाहर आ गए। स्टेशन से बाहर आते के साथ गाड़ी हम लोग मिल गई टोटो, और फिर 50 रुपये में यार मतलब सस्ता ही है यार। रिजर्व में जा रहा है ना, नहीं पगला है। 50 रुपये में हुआ भाई, ज़्यादा नहीं बोल सकते है ना, सही बोलना। सस्ता ही हुआ भाई, फिर भी रिजर्व हो गया, समझ रहा। चारों बंदे लोग मजे से जा रहे हैं हम लोग, क्या सही बोलना आपसे। एकदम मस्त है भाई, वही तो। ये देख रहे हो इधर से। और फिर मतलब राहुल क्या बोल रहा था स्टेशन पे कि भाई टीटी पकड़ता ही नहीं पकड़ता भाई। असीम कितना लड़का को पकड़ा हुआ था भाई? कम से कम 10 लड़का को पकड़ा हुआ था गाइस। टोटल 10 बंदे को पकड़ के रखा हुआ था टीटी, और बैग वाला ही सारा था। हम लोग तो ऐसे ही पकड़ा जाते गाइस। खाने पीने वाला था पीछे, इधर भी खाने पीने वाला, बट खा के नहा के पूजा करना सही नहीं है। बट फिर भी यार मेरे को भूख बर्दाश्त नहीं होती है ना, तो मैंने सुबह ही खा लिया था 4 बजे। 1 रोटी खा के अपन लोग आए थे, क्योंकि मेरे से भूख बर्दाश्त नहीं होती है यार। तो चलो कोई ना यार, अपने को पता नहीं था कि खा के नहाने में मतलब ये सब, लेकिन अब पता चल गया। तो अब से नेक्स्ट टाइम आएंगे तो खाना पीना नहीं खाएंगे, बस ऐसे ही। और फिर ये बैग का मतलब भाई, मतलब मैं बिहार शरीफ से बख्तियारपुर आया हूँ नहाने के लिए, मतलब तो मार्केटिंग भी रिवील कर रहे हैं गाइस। सोचो मतलब बख्तियारपुर का मार्केट, ये देखो इस टाइम खुला हुआ ही नहीं है कुछ। देख रहा है कुछ भी नहीं खुला हुआ है। ये देखो बस नॉर्मल सा चीज़ जो कि सुबह के टाइम बिकती है ना, बस वही सब। जबकि 8 बजने वाला है। यहाँ से हम लोग एंट्री लेंगे, अंदर के साइड घाट है। तो जय श्री राम, हनुमान जी का मंदिर है। जय श्री राम जय बजरंगबली। आज मंगल का भी दिन है। क्या चीज़ है? मठ है। ये देखो मठ है भाई, बोलो अच्छा। और फिर ये भी मंदिर है ना, कौन भगवान का मंदिर है ये? सब भगवान। अच्छा सारे भगवान का ये मंदिर है। और फिर आगे यहाँ से और आगे जाएंगे तो ऊपर देखना, ऊपर के साइड अपना मेन घाट है। ये भी देखो भगवान जी को। हम लोग तो ये वाली घाट पे आए थे ना, पिछला बार बाइक से आए थे ना, तो इसके आगे एक स्कूल था, वहाँ से अपन लोग गए थे। बट इधर अपन लोग नहीं आए थे, फर्स्ट टाइम इधर आए, तो वही जा रहा है। देखते हैं सामने के साइड ऊपर चढ़ाओ यार, काफी ऊपर चढ़ाओ है। उधर वाला तो इतना गंदा रास्ता था ना, कैसा था भाई अभिषेक? इतना गंदा रास्ता था ना वो वाला स्कूल के पास, पूरा बालू। और पानी के टाइम में कितना भयानक हो जाता था भाई, एकदम खतरनाक था उस टाइम। अभिषेक ही अभिषेक तुम ही चला रहा था ना, यही राइड कर रहा था हम लोग। मतलब उतर के फिर गए थे लास्ट में, ये अकेला चलाया, फिर हम लोग पहले उतर गए। तो वैसा गंदा था। और इधर ये देखो झल रहा है, ये जानवर खाता है, गाय भैंस ये सब। हम लोग का गाँव में ज्यादा ऐसा होता है, बट इधर उससे भी ज्यादा है यार। देखो कितना बड़ा बड़ा खेत में झल रहा है। और फिर इस तरफ भी देखो गाइस, पूरा हरियाली हरियाली। बिहार शरीफ है। देखो यार मतलब काफी भयानक सा ये दिख रहा, गंगा जी आ गया भाई, पूरा सूखे हुए लग रहे हैं। तो बड़ी बढ़िया रहता है। हाँ तो वही वाला फिर सही था, इधर तो नहाने वाला भी जगह नहीं है, ये तो ऐसा ही है नॉर्मली है। तो भाई ये देख रहा हूँ इधर कोई नहाने वाला ही नहीं है फिर तो। हाँ ये तो पूरा सूखे हुए है। हाँ हम लोग इसके पहले नहाए थे ना, वो वाली काफी मस्त था, इससे भी मस्त था ना वो वाली घाट। नहीं हम लोग नहीं जा पाएगा भाई, बीच में दिख रहा है थोड़ा सा ये हल्ला है टाइप का है। तो ये वाली भी मतलब अच्छा उतना खास घाट नहीं लग रहा है गाइस, बट फिर भी सही है, घाट कोई भी खराब नहीं होता गाइस। तो फाइनली आज हम लोग पहुँचने वाले हैं सीढ़ी घाट, इधर से दिखाते हैं। ये देखो सीढ़ी घाट है, यहीं पे हम लोग नहाने वाले हैं। रास्ता देखो ना कैसा है भाई। सो भाई ये देखो घाट आ गया, अभी यहाँ से अपने को नहाना है। ये देखो घाट, तो भी अपन लोग जाएंगे कपड़ा वपड़ा चेंज करेंगे और नहाने के लिए चले जाएंगे अंदर। धूप भी नहीं है भाई। ये भाई आने के बाद कैसा फीलिंग्स आ रहा भाई, कैसा फीलिंग्स आ रहा। अच्छा अरे भाई फिर भी यार गंगा जी होते हैं भाई। सो गड्ढा तो बहुत ज़्यादा यार, बस बच के नहाइयो, ज़्यादा अंदर मत जाइयो। तो चलो गाइस अभी अपन लोग जल्दी से कपड़ा ये सब चेंज करते हैं और फिर चलते हैं नहाने के लिए। भाई उधर ही बैग लेके चलना, वहाँ पे रखेंगे सारा। इधर से आ जा, इधर से आ जा, इधर से असीम, इधर से आना। उधर क्यों जा रहा है, इधर आ जाना, उधर लेडीज लोग हैं। सो पहले आपको गाइस मंदिर की तरफ जाके दिखाते हैं आपको यहाँ का, क्योंकि नहाने के बाद हम लोग को पूजा भी तो करनी है ना। इधर भी पूजा होते हैं, बस चप्पल वप्पल पहन के भाई क्या यार। तो ये कुछ है नहाने के बाद इधर पूजा, ये देखो सारा पेड़ में। फिर इधर पूजा होती है, इधर होती है पूजा और फिर इधर पूजा होती है। सो ये एक तरफ घाट ही है, सीढ़ी वाली घाट सही है। अभी यहाँ से अपन लोग नहाएंगे जाके। तो गाइस यहाँ पे अभी अपन लोग पूजा कर लिए, इसके पहले इधर भी थे, इधर भी पूजा कर लिए, उधर भी लाइक नॉर्मल से पूजा का। ये पूजा का सामान बिकता है ये सारा जगह। और फिर यहाँ पे पूजा की राहुल अभी कर रहा है। और फिर अभी अपन लोग गाइस पूजा करके और अभी अपन लोग यहाँ से निकलते हैं गाइस। सो फाइनली गाइस अभी अपन लोग पूजा भी कर दी और अभी अपन लोग यहाँ से जा रहे हैं कुछ खाने पीने नाश्ता के लिए। तो यहाँ से जाएंगे कुछ नाश्ता वास्ता करेंगे, फिर ट्रेन रहेगी तो ट्रेन से चले जाएँगे, नहीं तो फिर अपन लोग बस से ही चले जाएँगे। क्या ट्रेन अभी होगा भाई? अभी होगा तो सही है, वरना फिर बस से चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ से भाड़ा कम ही है, 50 रुपया है, तो चले जाएंगे। सो गाइस आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में कमेंट करके बताना गाइस, वीडियो कैसी लगी हो। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। सो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना और ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहना। सो बाय बाय गाइस। ये देखो भाई बख्तियारपुर स्टेशन, अभी अपन लोग बिहार शरीफ जा रहे हैं और ये स्टेशन पे है और ये नया वाला बना है जो फ्लाईओवर। हाँ देख रहे हो कितना मस्त है, ये देखो ना इधर से ही चल। और अनाउंसमेंट भी कर दिया, इधर से आएगा ना, यही वाला है।